मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की 28 सीटों पर ताल ठोक रहे उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हो गई। गुलाबी ठंड के बीच वोटिंग के दौरान लोगों में उत्साह देखने को मिला, लेकिन सबकी नजर ग्वालियर चंबल पर है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिष्ठा यहां दांव पर लगी है। सिंधिया सुबह 9:30 बजे अपनी मामी और पूर्व मंत्री माया सिंह के साथ वोट डालने पहुंचे। सिंधिया ने वोट डालने के बाद विक्ट्री साइन दिखाते हुए कहा, जनता का पूरा समर्थन भाजपा के साथ है। वहीं महाराज सिंधिया आज भगवा रंग में रंगे नजर आए। आज जब सिंधिया मतदान के लिए पहुंचे तो हाफ जैकेट पहना था। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद सार्वजनिक रूप से यह पहला मौका रहा जब सिंधिया का जैकेट भगवा रंग में देखा गया हो। इससे पहले वह राहुल गांधी की तरह एक जैसा जैकेट पहनकर नजर आते थे और सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक जैसा जैकेट पहन फोटो खिंचवाया करते थे, जो फोटो खूब वायरल हुई थी। आपको बता दें कि 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की साख दांव पर है। 22 विधायकों के साथ सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी थी और बीजेपी को समर्थन दिया था, लिहाजा कमलनाथ सरकार की विदाई के बाद सत्ता पर बीजेपी काबिज हुई थी। कुल 28 सीटों में से ग्वालियर चंबल अंचल में 16 सीटें शामिल हैं, जो सिंधिया के प्रभाव वाली मानी जाती है। इन 16 सीटों पर सिंधिया समर्थक पूर्व विधायकों को ही बीजेपी ने टिकट दिया है। ऐसे में सिंधिया के सामने अपने सभी समर्थकों को जिताने की चुनौती है। वहीं दिग्विजय सिंह ने मतदान के दौरान गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि लगभग 17 पोलिंग बूथ से कांग्रेस के पोलिंग एजेंट्स को हटा दिया गया और बूथ कैप्चर करने की कोशिश की गई। हम दोबारा मतदान की मांग करते हैं। जब दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल उठाए तो उनके पुराने साथी रहे सिंधिया ने उन पर पलटवार किया। सिंधिया ने कहा कि दिग्विजय सिंह पहले खुद पर सवाल उठाएं, उन्होंने मध्य प्रदेश का क्या हाल करके छोड़ा है। बहरहाल प्रदेश के इतिहास में यह पहला मौका है जब 230 सदस्यीय विधानसभा की 28 सीटों पर एक साथ उपचुनाव हुए। इन चुनाव में प्रदेश के 12 मंत्रियों समेत कुल 355 उम्मीदवार मैदान में हैं। सत्ताधारी बीजेपी के पास 107 विधायक हैं और उसे बहुमत के लिए 8 और सीटों की जरूरत है, जबकि कांग्रेस के पास सदन में 87 विधायक हैं। कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए अब 28 सीटों की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।